गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी तक कक्षा 10 में हमने श्वसन में पढ़ा कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्वास। क्या है? प्रश्वास। तो हम जानेंगे कि प्रश्वास होता क्या है। ठीक, जब हम ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है, जब ऑक्सीजन को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी गैस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, उसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तो जो मतलब गैस को ग्रहण करने की या फिर जो वायु को हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण किए, उस ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रश्वास कहलाती है। तो हम कह सकते हैं वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया, वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया, अंदर लेने की प्रक्रिया, लेने की प्रक्रिया प्रश्वास कहलाती है। प्रश्वास कहलाती है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जब हम ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं या फिर जैसे ही हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी गैसों का क्या मतलब बहुत सारी गैस क्या करते हैं, प्रवेश करती है, लेकिन उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है काफ़ी मात्रा में होता है। तो जो हम वायु को अंदर लिए या फिर कह लीजिए वायु को अंदर जो लिए वही प्रक्रिया क्या कहलाई? प्रश्वास कहलाई। ठीक, और उसके बाद दूसरा आता है उच्चवास। क्या आता है? उच्चवास। तो उच्चवास किसे कहते हैं उसको देखते हैं। तो प्रश्वास में जो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण किए, क्या किए अपने अंदर, जो हम क्या किए ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण किए या क्या क्या किए उसको शरीर को अपने मतलब वायु को अपने शरीर के अंदर क्या किए हम लिए, और वो क्या करता है, वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। क्या करता है? वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। तो वहां पे क्या होता है, वो वहां पे क्या होता है कि वहां पे टूटेगा और उसका क्या होगा, विखंडन होता है। किसका? ग्लूकोज का। ठीक, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम श्वसन लेते हैं, श्वसन जैसे ही हमारे अंदर जाता मतलब वायु जैसे ही हमारे अंदर जाती है वहाँ क्रिया किससे करता है? ग्लूकोज से क्रिया करता है। तो ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा, विखंडन होगा, और आप जानते हैं विखंडन के बाद क्या बनता है, विखंडन के समय बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और क्या बनता है, ऊर्जा बनती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर बनती है उसे क्या करना होता है, हमें शरीर से बाहर निकालना होता है। ठीक, तो उच्चवास क्या कहलाया, जो हमने ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ग्रहण किया तो जैसे ही वो हमारे पूरे शरीर में क्या हुआ मतलब हमारे शरीर के अंदर गया, वो पूरे शरीर में क्या होता है मतलब फैल जाता है। जैसे ही वो अंदर गया वो ग्लूकोज क्या करता है, प्रक्रिया करता है मतलब क्या करता है, वो वहाँ पे अंदर जैसे गया क्या हुआ, वहाँ पे ग्लूकोज का विखंडन होता है। जैसे ही ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज विखंडित होकर के 3 भागों में बढ़ जाता है जो क्या बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है और क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। ठीक, क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। इन 3 चीजों का निर्माण हुआ किसके माध्यम से,
प्रश्वास के माध्यम में। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर के अंदर क्या कि ऑक्सीजन को ग्रहण किए। अब हमारे शरीर के अंदर जो CO2 बना, क्या बना? CO2 बना। इस CO2 को हम अपने शरीर से बाहर निकालेंगे और यही शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है कहलाती है उच्छ्वास कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। उच्छ्वास कहते हैं, ठीक। ये क्या हो गया? ये उच्छ्वास हो गया। अब हम प्रश्वास प्लस उच्छ्वास इन दोनों को एक साथ जोड़ दें। क्या करें? इनको हम एक साथ मिला दें तो किसका निर्माण होगा? श्वसन का। किसका निर्माण होगा? श्वसन का। मतलब प्रश्वास और उच्छ्वास इन दोनों को जोड़ते हैं, या फिर इन दोनों की जो प्रक्रियाएं होती हैं इन दोनों की प्रक्रियाओं को मिला करके क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, ठीक। मतलब प्रश्वास और उच्छ्वास को हम एक साथ जोड़ देंगे, वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? श्वसन कहलाएगी, ठीक। ये हमारा हो गया प्रश्वास और उच्छ्वास। और जो अगला टॉपिक है हमारा वो है श्वासोच्छ्वास। क्या है? तो जो हमें आगे पढ़ना है वो हम देखेंगे, जो मानव में जो श्वसन की प्रक्रिया है उसका एक रूपरेखा यहाँ पे हमने बना दिया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से क्या किया? ऑक्सीजन को ग्रहण किया। ऑक्सीजन को ग्रहण के मान ये क्या है? ये हमारा फेफड़ा है। क्या है? ये हमारा फेफड़ा है, ठीक। इस फेफड़े में क्या हुआ? ऑक्सीजन आता है, ठीक। फिर उसमें क्या होता है? उसमें रुधिर, फेफड़े में क्या होता है? रुधिर है। अब वह रुधिर क्या करता है? हीमोग्लोबिन द्वारा क्या करेगा? जो हृदय होता है उस हृदय में जो ब्लड पाया जाता है वो ऑक्सीजन विहीन होता है। तो जैसे ही वो हमारा धक्का मार के हमारे फेफड़े में ब्लड को लाता है, तो जैसे ही ब्लड हमारे फेफड़े में आया तो वो क्या हो, वो उसमें हीमोग्लोबिन नामक क्या होता है, एक रंजक पाया जाता है। वो रंजक क्या करता है? वहाँ से ऑक्सीजन को मतलब रुधिर क्या, फिर के बाद जैसे ही फेफड़े में आता है वो जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। फिर उसके बाद इसी हीमोग्लोबिन की सहायता से वो हमारे विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करता है। जैसे ही क्या किया, फिर उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन का परिवहन होना शुरू हुआ, ठीक। फिर उसके बाद रुधिर में ही क्या होता है? ऑक्सीजन घुल जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन घुल जाता है, या फिर कह लीजिए मिल जाता है। मिलता है। मिलने के बाद वही रुधिर क्या करता है? ऑक्सीजन को हमारे विभिन्न भागों में ले, मतलब विभिन्न अंगों में या पूरी बॉडी में हमारे ले जाने का कार्य करता है, ठीक। फिर उसके बाद ले करके गया, वो कहाँ तक पहुँचाएगा? कह लीजिए वो हमारी कोशिकाओं तक पहुँचाएगा या फिर ऊतक तक पहुँचाएगा, ठीक। वो हमारे कहाँ तक पहुँचाएगा? कोशिका तक पहुँचाएगा या फिर ऊतक तक पहुँचाएगा। अब जैसे ही कोशिका और ऊतक में पहुँचा, यहाँ पे क्या होगा? विखंडन होगा। क्या होगा इसका? विखंडन होगा। विखंडन के पश्चात क्या बनेगा? जैसे कि आप जानते हैं विखंडन के पश्चात तीन चीज़ें बनती हैं, CO2, H2O और उसके बाद ऊर्जा। तो ये सारे चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है, ये दोनों हम अपने पास अंदर ही रखेंगे। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसे क्या करेंगे? हमें अपने शरीर से बाहर निकालना होता है।
तो इसको हम क्या करेंगे, अपने मतलब जो CO2 बनता है इसको हम अपने शरीर से बाहर करेंगे, या फिर उसको क्या करेंगे, शरीर से बाहर प्रसरण करेंगे, या फिर इसको रुधिर में ही कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो क्या करता, फिर उसके बाद हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, उसके बाद कहाँ आया, रुधिर द्वारा CO2 का परिवहन, मतलब अब क्या हुआ, अब तक तो ऑक्सीजन को लेकर के आया हमारा रुधिर, लेकिन जैसे ही ये कोशिकाओं तक पहुंचा उसके बाद विखंडन हुआ, विखंडन होने के बाद विभिन्न भागों में बट गया, तो बटने के बाद अब क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को शरीर से मतलब अब इस ऑक्सीजन को मतलब इस अब इस ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, और उस परिवहन के दौरान क्या करेगा, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हुआ, रुधिर क्या किया, और परिवहन करते करते कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ तक लाता है, ये मान लीजिए फेफड़ा हमारा है, इस फेफड़े तक लाता है, इस फेफड़े में ले जा करके रुधिर छोड़ देता है, फिर उसी जब हम सांस छोड़ते हैं उसी के माध्यम से क्या करेंगे, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से बाहर निकाल देंगे। ये हमारा पूरा क्या था, मतलब श्वसन की जो प्रक्रियाएं थी वो थी, जो हम क्या करते हैं, जो रुधिर के माध्यम से पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना, हम अब अगले टॉपिक में देखेंगे परिवहन। ठीक।